like you. Be strong to hold the. वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग गाइस, क्या हाल आप सभी के? उम्मीद करता हूँ काफी ज्यादा ही अच्छे होंगे, बट आज हमारे अच्छे नहीं हैं। काफ़ी तगड़ा स्कैम हो गया सुबह सुबह। मतलब क्या सीन हुआ, मैं पोपलो को मतलब घुमाने लेके गया था सुबह सुबह, अराउंड 5 बज रहे होंगे, और रास्ते में कुछ 4-5 कुत्तों की टोलियाँ नहीं होती, वो जगह जगह पे वो वाला सीन था। तो उनकी टोली थी, वो पोपलो के ऊपर भाव करने लगा उसे फुल जोरों शोरों से। तो थोड़ा सा यार मतलब साथ में तो था, थोड़ा भागने लगा फुल खिंचा खिंचा के, और ऐसे लाइक मैंने इसको जो इसका पट्टा पकड़ रहा था वो चक्री काट के मेरे ऐसे चारों तरफ से फिर गया, जिसकी वजह से जो मेरा ये वाला राइट वाला पैर है ये ऐसे कुछ ऐसे मुड़ गया वहाँ पे चलते चलते रास्ते में, और उस वजह से इसमें मुड़क बोलते हैं भाई हमारे यहाँ पे। तो अब चलने लायक नहीं रहा, मतलब ऐसा सीन है इस पैर से जैसे ही जोर पड़ता है फुल दर्द हो रहा है हद से ज़्यादा। तो अभी इस पर थोड़ी सी गर्म पट्टी एंड कुछ मूव वगैरह लगाई है, देखते हैं कैसा होता है, जैसा भी रहता है। और साथ में भाई सबसे बड़ी दिक्कत ये है, मेरा आज ऑनलाइन एग्जाम भी है, मतलब एग्जाम के साथ साथ दर्द, देखते हैं जैसा भी हो पाएगा। अभी जस्ट 9 बजे स्टार्ट होने वाला है, तो मैं बैठा ही था, मतलब कुछ हुआ ही नहीं, उसके बाद दर्द तो हो ही रहा है, तो ऑनलाइन एग्जाम होता है, देखते हैं जैसा भी रहता है। चलने लायक नहीं छोड़ रखा, मतलब बात ये है चलने लायक बिल्कुल भी नहीं, एक पैर से चलना पड़ता है और एक पैर से चलना देख लो कितनी दूर चल सकता है आदमी। तो इसलिए जस्ट आया तो सुबह का ही जैसे ही घर पे पहुंचा था रड़ पड़ के सुबह, तो बैठा ही हूँ खाट पे यहाँ चेयर पे, और अभी एग्जाम देते हैं। अभी 9 बजे से जस्ट स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद देखते हैं क्या होने वाला है, कैसे सब कुछ रहेगा। तो आज तो गाइज एग्जाम ओवर हो गया था, जो ऑनलाइन एग्जाम था, उसके बाद सारे दिन से बस लेटे पड़े हैं, कुछ कर ही नहीं सकता यार। पैर पे अभी जस्ट फिर से मुंह लगा के ये बंधा है मैंने, ऐसे तो ये मुरडक बोलते हैं, इसको मैं कटवा के लेके आ गया था हमारे यहाँ पे, मतलब गांव में ऐसे निकालते भी इनको, डॉक्टर की जरूरत नहीं होती इस मुरडक के, ऐसे पैर मुड़ गया था यार बिल्कुल ऐसे, तो साइड से पूरा सूजा हुआ है। और अभी इसकी मुरडक का वो किया क्या कहते हैं निकलवा के गोली वगैरह ली, थोड़ी सी पेन किलर वगैरह, काफ़ी दर्द हो रहा था इस पैर में, अब तो थोड़ा सा कम है, बट सुबह लगी थी यार सुबह से तो बहुत लाइक मतलब फ़र्क पड़ चुका है, सुबह तो ऐसा दर्द हो रहा था, ऐसा दर्द हो रहा था क्या ही बता सकता हूँ मैं, इस पैर से चलने का हो ही नहीं रहा, लाइक जहाँ पे भी रख रहा हूँ पूरे शरीर में दर्द, लाइक इस साइड का पूरा शरीर दर्द कर रहा है भाई हद से ज़्यादा, मतलब बुरा हाल हुआ पड़ा है। और साथ ही मैं आज एक दीपू दीदी भी आ रही हैं, कुछ कल मेरा जन्मदिन है उस वजह से, तो बट यार जन्मदिन से जस्ट एक दिन पहले तो काफ़ी तकड़ा स्कैम हो गया है मेरे साथ, बट कोई ना सह लेंगे थोड़ा सा, देखते हैं जैसा भी रहता है यार, कुछ कर ही नहीं सकता। यहाँ से जिसको भी मतलब कुछ काम होता है, चाय पीनी हो, खाना खाना हो, तो हेला मार बुलाता हूँ और वो लेके आते हैं, बैठे बैठे की पूरी सेवा पानी हो रही है, बट दर्द बहुत हो रहा है भाई। एग्जाम हुआ मतलब बैठ के देना पड़ा हुआ, ऐसे लेट के तो दिन ही सुखता था भाई साहब, कम से कम 2.5 से 3 घंटे का राउंड गया होगा उसमें, तो कतई ऐसे कह सकते हो, मतलब बिल्कुल ही बुरा हाल हो चुका था चेयर पे बैठे बैठे, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होता, बट कैसे ना कैसे करके उसको 2.5-3 घंटे निकालने वाला एग्जाम दिया। अब नेक्स्ट 6 तारीख को एग्जाम, तब तक वैसे एग्जाम वाली तो समस्या नहीं है, तब तक तो शायद ठीक हो जाना चाहिए, बिकॉज अभी तो 5 दिन पड़े हैं उस चीज़ में, बट यार करंट टाइम की सिचुएशन के हिसाब से दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोग आज हमने थोड़ा सा सुमित के पास रख रखा है, बिकॉज वो बकवास करता पैर के कहीं ज़्यादा लग जाए, तो इसलिए आज वो मेरे पास नहीं है, सुमित के पास ही है पोपली, उसका भी मतलब बाऊ बाऊ तो कर रहा था, क्योंकि यार सारा दिन मेरे पास रहता है ना, तो उसको वो तो होता है यार ऑटोमेटिकली जिसके पास रहता है उस वजह से, बट कोई ना आज आज या जब तक भी ठीक नहीं होता सहेंगे, 2-4 दिन तो लगने वाले हैं जिस हिसाब का पेन हो रहा है। अभी फिर से मुंह लगा के बस पट्टी बांधी, गर्म पट्टी, जिससे थोड़ा सा कुछ ऐसे जलन से तो हो रही है, क्योंकि यार जहाँ पे जो दर्द वाला जगह जहाँ पे स्पेशली सूजा हुआ ना यहाँ इस साइड कहीं पे, उसका स्पेशली मेन दिक्कत है उस वजह से। और ये मैं ऑनलाइन डॉक्टरी की है, तो मैंने थोड़ी सी गर्म पट्टी को कुछ नेक्स्ट लेवल ही मैंने खुद से ही बांधा है, क्यों किसी को हम दुखी करें, हम भी बांध लेते हैं इसको। तो फाइनली हिम्मत करके थोड़ा सा बाहर आया हूँ भाई, तो अभी थोड़ा थोड़ा लाइक दर्द कम हुआ था, शाम हो चुकी है, अभी आया था थोड़ा सा बाहर पब्लिक से मिलने, एंड नहाएंगे धोएंगे यार, ऐसा बिल्कुल तो बैठा नहीं रह जा सकता, सारा दिन हो चुका वैसे सारा दिन, शाम हो चुकी है, पहले तो गर्म पट्टी हटाते हैं, दर्द होगा उसको सहना ही पड़ेगा, बाकी कुछ कर नहीं सकते। बट पोपलो शायद दीपू दीदी आ चुकी है उस वजह से उधर देखने गया हुआ है। तो भाई दीपू दीदी आ चुकी हैं, इन्होंने दिया हमें सरप्राइज जन्मदिन पे, मतलब कॉलेज छोड़ के जस्ट एक दिन के लिए, और पोपलो तो आते ही तुम्हें पता है भाई फुल बकवास बाजियों पे लग जाता है, देखो भाई अरे पोपलो डट जा, ओ भाई इतनी बकवास करता है, देखो एक बार इसकी तरफ देखो, डांस करने में लगा हुआ है, जो भी नया बंदा आता है उसके साथ तो ऐसी बकवास करता है जो इससे काफी दिनों के बाद मिलता है, ओ भाई साहब ओबले बकवास मत कर। तो फाइनली थोड़ा थोड़ा मैं चलने लगा गाइस, बट दर्द हो रहा है, सहलेंगे इतना तो,
देख लो ऊपर से नीचे आने में भी मेरे को 10 मिनट लग गए। मिजाज तो आपकी दीपू दीदी आ गई, उठ नहीं मैं नहाने आया था। तो आखिरकार सुमित भाई जी पोपुलू को थोड़ा सा घुमा लाए हैं, बिकॉज इसको इसी से थोड़ी सी थकान मिलती है, वरना तो भाई इतनी बकवास करता है ना, इतनी बकवास करता है। जब घुमा के लाते हैं उसके बाद आके एक्साइटमेंट में बकवास जरूर करेगा, बट थोड़ी देर के बाद अच्छे से खुशी खुशी सो जाता है। तो इसलिए इसको सुबह शाम थोड़ा थोड़ा घुमा दो, उसके बाद उसकी पूरी खुशी हो जाती है। अरे भाई बकवास तो इतनी करता रहता है, मतलब इस पर इतनी चुल मची रहती है ना इसको बकवास करने की, इतनी ज़्यादा, मतलब क्या कहते हैं ना, रुकने का तो नाम ही नहीं लेता भाई ये। जितनी देर पास में बैठा लो, दूर से बैठा लो, सोया पड़ा रहेगा और आके ऐसे बकवास करने लग जाएगा अचानक से। तो नहा दो के बस ये रात के आखिरी गर्म पट्टी हो रहा है, मुंह के साथ ये लगा लेते हैं। इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है भाई, पहले जो सुबह सुबह जो दर्द हो रहा था उसमें तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। तो सही है, इसको मैंने दिन में 3-4 बार लगा लिया था और अब ये आखिरी ये रात भर रह जाएगी, क्योंकि कल तो फिर अपना बर्थडे है, तो आज तो रात को 12-1 बजे तक जगेंगे ही वैसे भी। बट जैसा भी है ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। बट यार जो दर्द हो रहा है ना, मैं ही बता सकता हूँ, बाकी मतलब लाइक नेक्स्ट लेवल का दर्द हुआ है बहुत। मैंने तो ऐसा दर्द पता नहीं कितने सालों पहले सहन किया था, मेरे को तो आज हो रहा है।